दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम टोटल 5 शेयर्स के बारे में, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहां पर हमें आते हुए देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के और वन बाय वन सारे शेयर्स को यहां पर कवर करते जाते हैं। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो की स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं HUL के साथ में, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ में, जहां पर कंपनी ने आज के दिन अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट यहां पर डिक्लेयर कर दिए हैं। और साथ ही साथ रिजल्ट के साथ में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट करी है। तो डिविडेंड की क्या रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट रहने वाली है उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके पहले HUL के अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज के दिन हमें इसे मार्केट क्लोज होने के ठीक एक घंटे पहले इस शेयर्स के अंदर लगभग 3.5% तक की बड़ी गिरावट इसके अंदर देखने को मिल रही है। ये गिरावट और कुछ नहीं, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी जा रही है। और जिस प्रकार से आपको मार्केट के ऊपर प्रेशर देखने को मिल रहा है, मिड कैप इंडेक्स के अंदर भी आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उसी का प्रेशर आज आपको इस FMCG सेक्टर के शेयर्स के अंदर भी देखने को मिल रहा है। HUL के अगर क्वार्टर 2 के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 10% से ग्रो हुआ है। कंपनी ने 2,210 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्लेयर किया है। अगर नेट सेल्स की बात करें तो कंपनी की जो नेट सेल्स है वो भी लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 14.2% से इंक्रीज हुई है। तो रिजल्ट बहुत ही शानदार निकल कर आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बात करें तो यहां पर भी कंपनी की सेल्स लगभग 10.2% से इंक्रीज हुई है। और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स की भी अगर माने तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी इस शेयर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। नवीन कुलकर्णी की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आया है, आप देख सकते हैं, HUL नंबर्स गुड, रेवेन्यू स्लाइटली हायर देन एस्टिमेटेड। तो जो एस्टिमेटेड लगाए गए थे HUL के नंबर्स के, उससे भी काफ़ी बेटर नंबर्स यहाँ पर हमें HUL के देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ HUL ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए 15 रुपीज़ पर शेयर्स का इंटरिम डिविडेंड भी यहां पर डिक्लेयर किया है, जिसकी अगर रिकॉर्ड डेट की बात करी जाए तो यहां पर जो रिकॉर्ड डेट फिक्स करी गई है वो 27 अक्टूबर फिक्स करी गई है। यानी कि 27 अक्टूबर तक अगर आप HUL के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली 15 रुपीज़ पर शेयर्स के डिविडेंड के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर्स के बारे में। IT सेक्टर से बिलोंग करती कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जहां पर आज के दिन हमें इस शेयर से रिलेटेड दो बड़ी अपडेट्स आते हुए देखने को मिल रही है। एक बड़ी अपडेट्स तो है HCL के पार्टनरशिप से रिलेटेड और एक और बड़ी अपडेट्स यहां पर निकल कर आई है। उसके पहले अगर आप HCL के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज के दिन किसी प्रकार की गिरावट आपको इस शेयर्स के अंदर देखने को नहीं मिली, बल्कि 10 रुपये तक की शानदार तेजी आपको इस शेयर्स के अंदर देखने को मिली है। IT सेक्टर जहां पर आज के दिन बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहा था, वहीं HCL के अंदर भी हमें यहां पर शानदार मूवमेंट देखने को मिले थे। आप देख सकते हैं HCL टेक्नोलॉजीज ने यहां पर इनोवेकर के साथ में एक शानदार पार्टनरशिप करी है। कंप्लीट न्यूज भी आप देख सकते हैं, टू कोलैबोरेट ऑन ड्राइविंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस ऑर्गेनाइजेशंस, HCL एंड इनोवेकर अ हेल्थ क्लाउड कंपनी अनाउंस टूडे अ कोलेब्रेशन टू हेल्प हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ये जो हमें कोलेब्रेशन इन दोनों कंपनियों के बीच में देखने को मिल रहा है, अल्टीमेटली ये हेल्थ केयर को लेकर यहाँ पर कोलेब्रेशन किया गया है, जिसे हेल्थ केयर को तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ इनोवेकर को भी इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अनदर बिग अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं HCL का नाम हमें वर्ल्ड की बेस्ट एम्प्लॉयर्स फोर्ब्स लिस्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार ये न्यूज निकल कर आई है। आप देख सकते हैं HCL नेम्ड अमंग वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर इन फोर्ब्स लिस्ट। दिस लिस्ट वॉज जनरेटेड बाय सर्विंग 1,50,000 एम्प्लॉयज अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन एंड सेक्टर स्पेनिंग 58 कंट्रीज। तो 58 कंट्रीज के अंदर जो सर्वे किया गया था उसके हिसाब से यहाँ पर फोर्ब्स की लिस्ट में हमें HCL का नाम भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आज के दिन हाथ लगा है। तो यदि आपने भी HCL टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जहां पर कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट भी बहुत ही शानदार निकल कर आए हैं, कंपनी का रेवेन्यू लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 11.33% से इंक्रीज हुआ है, और अगर नेट इनकम की भी बात करें तो कंपनी का नेट इनकम भी लगभग 3.98% से इंक्रीज हुई है। तो यदि आपने इस IT सेक्टर की कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर भी आप अपनी पोजिशंस को कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं।
वहीं अगले शेयर्स की बात करें जिसका नाम है IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, जहां पर ये शेयर्स आपको पिछले एक महीने में 45% तक के मल्टीवेगर रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है। वहीं आज के दिन भी आपको इस शेयर्स के अंदर लगभग 10-12% तक के शानदार पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहे थे। मार्केट क्लोज होने तक हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जिसके कारण यहाँ पर 6% तक की तेजी यहाँ पर रिकॉर्ड करी गई है। इतनी बड़ी तेजी के पीछे एक बहुत बड़ी वजह निकल कर आई है, IEX ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए बोनस का यहाँ पर इशू करने वाली है कंपनी। आप देख सकते हैं आज ही के दिन की अपडेट निकल कर आई है, जिसमें इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जंप्स टू ऑल टाइम हाई ऑन बोनस शेयर्स प्लान। यहां पर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस इशू करने जा रही है, यानी कि बोनस देने जा रही है। इसके लिए जो इंपोर्टेंट डेट रहने वाली है वो है 21 अक्टूबर, यानी कि 21 अक्टूबर 2021 के दिन आपको IEX के क्वार्टर टू के रिजल्ट के नंबर्स तो देखने को मिलने ही वाले हैं, साथ ही साथ कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए बोनस भी इशू करने जा रही है। तो यदि आपने भी IEX के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं, तो 21 अक्टूबर 2021 के पहले पहले तक यानी कि कल के दिन आप इस शेयर्स के अंदर फ्रेश पोजिशंस बना सकते हैं। दोस्तों बात करें अनदर शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है अडानी पावर लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन आपको इस शेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली। एक टाइम पर तो ये शेयर्स 120 के टारगेट के भी नीचे यहाँ पर चला गया था, लेकिन फाइनली यहाँ पर जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। और जैसा कि आपको बताया कि पावर सेक्टर कंपनियों का जो परफॉर्मेंस है पिछले वन मंथ की वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, जिसमें टाटा पावर की बात कर लें, NTPC की बात कर लें, IEX की बात कर लें, सभी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग निकल कर आ रही है। वहीं अडानी पावर भी पिछले एक महीने के अंदर लगभग 30% से भी ज़्यादा के शानदार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि अडानी पावर के जो यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट्स के अंदर सिग्नल बन रहे हैं वो भी फ्रेश बाइंग के बन रहे हैं। तो यदि आपने शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। साथ ही साथ अडानी पावर के अंदर आप 118 रुपए का सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए इस शेयर्स के अंदर अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अडानी पावर ने अभी तक अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट की डेट अनाउंस नहीं करी है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कि आपको नेक्स्ट वीक तक क्वार्टर टू के रिजल्ट की डेट अनाउंस होते हुए अडानी पावर की तरफ से देखने को मिल सकती है। पावर सेक्टर की कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही शानदार आने वाले हैं, जिसमें टाटा पावर के रिजल्ट आपको 28 अक्टूबर के दिन देखने को मिलने वाले हैं, और वहीं अडानी पावर के नंबर्स भी बहुत ही शानदार आने की उम्मीदें हैं। तो डेफिनेटली यहां पर भी अगर आपने पोजीशंस बनाए रखी है तो लॉन्ग टर्म पर्पस से आप इस शेयर्स के अंदर भी अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों अगले शेयर्स के बारे में बात करें, जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड। जी हां दोस्तों, आज के दिन आपको इस शेयर्स के अंदर लगभग 1.5-2% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड के अंदर एक बहुत ही शानदार न्यूज़ आज के दिन हमें मार्केट आवर्स के ठीक आधे घंटे पहले यहां पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं 3 बजे की ये न्यूज़ निकल कर आई है, जिसमें डॉक्टर रेड्डीज लैब रिसीव्स USFDA अप्रूवल टू मार्केट लेनाडिलोमिडाइल कैप्सूल। तो यहां पर कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है USFDA की तरफ से, जिससे कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के अंदर शानदार मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो यदि आपने इन 5 शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैंने आपके साथ सारी इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर कर दी है। साथ ही साथ अगर आप किसी और शेयर्स के बारे में अपडेट चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।